You are watching Unique Style of Teaching, my educational YouTube channel. 11th class mathematics में 6.1 अपलोड कर चुका हूँ. इस वीडियो में आज इंशाल्लाह 6.2 का अपलोड स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन वन. राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग arithmetic sequences if first part is the ए वन यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव सीईयू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26 and 29. इसमें सबसे पहले आपको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मसला ना आए. अगर आप एक सीक्वेंस है उसको मेंटेन रखते हैं तो फाइनल जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि एपी कहलाता है, इस सीक्वेंस में आपको जो फार्मूला मिलता है वो है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी. अब इसमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है. ए एन से मुराद ये है कि वो नंबर ऑफ टर्म है जो आपके टर्म फाइंड करने जा रहे हैं. ए वन इज़ द फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस. ये बात याद रखें कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है. पूरी सीक्वेंस में आपके पास जो डिफरेंस होगा सेम होगा, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं. अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ए वन जो है वो 5 है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और उसने 3 टर्म हमें दी हुई हैं, 23, 26 एंड 29. ट्वेंटी थ्री से जब हम 26 पे जाते हैं तो हमें 3 का डिफरेंस मिलता है,
और 26 से 29 की तरफ जाते हैं तब भी हमें 3 का डिफरेंस मिलता है, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 3 है। अभी ये डेटा जो है ना गिवन है, हमने फाइंड करनी है 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज गिवन है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। जब हम सेकंड टर्म लाएंगे, ए एन का मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो ए वन ही रहेगा, प्लस इसका मतलब ये हुआ कि एन का वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी मिलेगा, यानी ए प्लस डी। अच्छा मैं इधर ही इसको सॉल्व करता हूँ। अभी आपके पास ए टू फाइंड करने के लिए ए वन तो आपके पास 5 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 है, इज इक्वल टू आपको सेकेंड टर्म जो है वो मिल गई विच इज 8। अभी आप ए थ्री थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आप फाइंड करेंगे इसको ए वन प्लस एन माइनस वन, तो मतलब 3 माइनस वन 2, 2 डी हो जाएगा। इसके लिए ए वन तो 5 ही है प्लस डी 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 6 एंड देन ऐड करेंगे इट इज 11। इसी तरह फोर्थ टर्म विच इज ए फोर इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन 4 माइनस वन 3 डी हो जाएगा, और ये 5 है प्लस 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ इट विल बी 9। अभी आपके पास आंसर आ जाएगा 14। जब इसका देखें, जब आप सीक्वेंस लिखते हैं 5 के बाद ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, 8 हमने फाइंड किया, इसके बाद 11, इसके बाद है जी आपके पास 14। अभी आप देखें इसको अगर मेंटेन रखें, सीक्वेंस देख लें, हर एक में 3 का डिफरेंस आपको मिलेगा। सेकंड पार्ट है इसका, फिफ्थ टर्म ए 5 इज इक्वल टू 17 एंड ए 9 इज इक्वल टू 37। जो ए 5 है ना, इसको हम कह सकते हैं ए प्लस 4d। फिफ्थ टर्म है ना, फार्मूला AP वाला अगर आप अप्लाई करें, n से 1 सब्ट्रैक्ट करें, n 5 है तो a प्लस 4d आ जाएगा आपके पास 17। और इसी तरह a 9 में हम कह a 9 में कह सकेंगे, बल्कि a 1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37। अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इसको आप कर लेंगे प्लस को माइनस और प्लस को माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 20, डी इज इक्वल टू 5। इसको मैं कर रहा हूँ बॉक्स। अभी डी जो है वो मुझे मिल गया है, ए मैं फाइंड कर लूँगा, इसको पुट कर लें इसमें, ए वन प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 इज इक्वल टू 17, ए वन इज इक्वल टू 17 माइनस 20 मुझे मिल जाएगा माइनस 3। इसको भी मैं बॉक्स कर रहा हूँ। मुझे लाना है फर्स्ट टर्म, मेरे पास आ गया दैट इज़ माइनस 3, सेकेंड टर्म लानी है, थर्ड टर्म लाना है और फोर्थ टर्म लानी है। ए वन तो हमारे पास है, सेकेंड से फाइंड करेंगे, ए वन इज इक्वल टू ए वन प्लस डी, मैं इसको ही आगे सॉल्व करता हूँ। ए टू के लिए ए वन आपके पास माइनस 3 है प्लस डी आपके पास 5 है,
तो आंसर मिलेगा आपको टू। और आगे ए थ्री यानी कि थर्ड टर्म, ए वन प्लस टू डी, ए वन आपके पास थ्री है, डी का वैल्यू फाइव है, फाइव टू हो जाएंगे टेन और आंसर आपके पास आ जाएगा सेवन। फोर्थ टर्म ए फोर इज इक्वल टू ए वन प्लस थ्री डी, ए वन आपके पास माइनस थ्री है और डी का वैल्यू फाइव है, फाइव थ्री इधर फिफ्टीन और ये हो जाएंगे आपके पास फिफ्टीन माइनस थ्री ट्वेल्व। अब चूंकि हमने फर्स्ट टर्म जो है वो फाइंड कर ली थी विद हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो ये तीन टर्म आपको मिल जाएंगी, माइनस थ्री पहली टर्म है, टू सेकेंड टर्म है और सेवन थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म जो है वो आपके पास ट्वेल्व, ये आपका आंसर आ गया। यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2 का अपलोड इन प्रोग्रेस है। क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट वन और टू हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज यही है 6.2 क्वेश्चन नंबर वन पार्ट इसमें थ्री करेंगे। पार्ट थ्री में है, थ्री ए सेवन इज इक्वल टू सेवन ए फोर और ए टेन इज इक्वल टू 33। अब देखें जो सेवन्थ टर्म होती है इसको हम कह सकते हैं ए वन प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू सेवन और ए फोर जो है इसको हम कह सकते हैं ए वन प्लस थ्री डी। और जो ए टेन है इसको हम कह सकते हैं ए नाइन सॉरी ए वन प्लस नाइन डी इज इक्वल टू 33। ये आपके पास हो जाएगा थ्री ए वन प्लस एटीन डी इज इक्वल टू सेवन ए वन प्लस 21 डी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये ए को हमने पॉजिटिव रखना है, थ्री ए वन को जाके माइनस करेंगे सेवन ए वन से, मिल जाएगा हमें फोर ए वन और 21 से 18 हम माइनस करेंगे तो मिल जाएगा प्लस थ्री डी इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। अब आप देखें आपके पास ए वन प्लस नाइन डी 33 क्वेश्चन में गिवन है, तो चूंकि इसको साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करना होता है तो अब इसको थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 12 ए वन प्लस नाइन डी इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे ए वन प्लस नाइन डी इज इक्वल टू 33 इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप
लाइन लगाएं, साइन को चेंज करें, डी के साथ डी, नाइन डी नाइन डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे बीइंग अपोजिट साइन। अब ये हो जाएगा 11A1 इज इक्वल टू -33, A1 इज इक्वल टू -3। इसको मैं बॉक्स करता हूँ, ये हमें मिल गया फर्स्ट टर्म जो कि वैल्यू ऑफ ए है, A1 यानी फर्स्ट टर्म आपको मिल गई। अभी आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए डी, वो हम फाइंड कर लेंगे। ए का वैल्यू पुट कर लें आप, इसमें मैं A1 प्लस 90 में ए क्या वैल्यू पुट प्लग करता हूँ, -3 प्लस 90 इज इक्वल टू 33, 90 इज इक्वल टू 36, डी इज इक्वल टू 4, इसको कर दिया बॉक्स। अभी आप बस डी का वैल्यू भी आ गया है, फर्स्ट टर्म भी आ गई है, अभी आप अपना हमने सेकंड टर्म थर्ड टर्म फाइंड कर लें। सेकंड टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस डी, दो ए का वैल्यू है -3 और डी का वैल्यू है 4, तो आंसर हमें मिल जाएगा 1 पॉजिटिव। देन A3 इज इक्वल टू A1 होता है, A1 प्लस 2D, A1 -3 है, D का वैल्यू 2 है, प्लस 4 to the 8, सेकेंड टर्म हमें मिल जाएगी 5। इसी तरह A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D -3 प्लस 4 3 the 12 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 9। अभी हमने सीक्वेंस लिखना है, -3 है पहली टर्म, 1 सेकेंड टर्म है और 5th थर्ड टर्म है और 4th टर्म आपके पास है 9। ये आपके पास सीक्वेंस आपको मिल गया जी। फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीशन होता है, अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ An-3 इज इक्वल टू 2N-5, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म आपने फाइंड करना है। गिवन सीक्वेंस में An-3 इज इक्वल टू 2N-5 है। देखो यहाँ पे N-3 है, मुझे अगर सिर्फ यहाँ पे N मिले तो वो nth टर्म होती है। मैं इस N को, मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, इस एन को रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेसिंग एन विद एन प्लस 3। अभी आप देखें ए एन को मैंने एन प्लस 3 कर दिया, -3 यहाँ से पहले ही मौजूद है,
और यहाँ पे भी n प्लस 3 लिखा, माइनस 5 लिख दिया। अब ये देखें माइनस पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये ए एन मिल गया, ये nth टर्म ही होती है और 2n हो जाएगा ये, और ये प्लस 2 3 6 और माइनस 5 तो ये मुझे प्लस 1 मिल गया। ये देखें ये आपके पास ये nth टर्म आ गया। ये क्वेश्चन इसमें मुश्किल नहीं था, बस जो सीक्वेंस देता है उसको आपने फॉलो करना होता है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। क्वेश्चन 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फिफ्थ टर्म इन एपी इज 16 एंड ट्वेंटी टर्म इज 46, व्हाट इज द 12th टर्म? ट्वेल्थ टर्म आपने फाइंड करना है। फिफ्थ टर्म उसने दी हुई है, फिफ्थ टर्म का मतलब ये हुआ कि हम इसको कह सकते हैं ए वन प्लस फोर डी इज इक्वल टू 16, और जो 20th टर्म है वो आपके पास है ए वन प्लस 19 डी इज इक्वल टू 46। सिंपल इसमें आप सब्ट्रैक्शन कर लें, ए और ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 15 डी इज इक्वल टू 0 और ये माइनस 3 माइनस 30, तो डी इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया आपको 2। कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया है, ख्याल रहे कि आपने फाइंड करना है 12th टर्म, तो 12th टर्म के लिए आपके पास होता है ए वन प्लस 11 डी। ए वन हमारे पास होगा तो इसकी वैल्यू प्लग कर देंगे। अब ए वन फाइंड करने के लिए आप इसको यूज़ कर लें, ए वन प्लस 4 to the 8 इज इक्वल टू 16 और ए वन इज इक्वल टू 16 माइनस 8 तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 8। एट्थ टर्म फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 8। अभी आप फार्मूला आपके पास मौजूद है ए पी वाला, ए 12 चाहिए आपको, ए वन 8 है प्लस ये हो जाएंगे 22, ए 12 इज इक्वल टू 30, ये 12th टर्म आपको मिल गया। आपने सिर्फ एक ही टर्म उसने पूछा था इसलिए हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर, ये था आपके पास 3rd, ये भी 4th फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द थर्टींथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस सीक्वेंस आपके पास क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला टर्म एक्स है, दूसरा वन है, तीसरा टर्म टू माइनस एक्स है और थर्ड टर्म थ्री माइनस टू एक्स है। यहाँ से हमें पता चला कि फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स है, और हमने थर्टीन टर्म एन इज इक्वल टू थर्टीन है और इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास होगा वन माइनस एक्स। आपके पास सेवन एंड थर्टीन टर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ए वन प्लस ट्वेल्व डी, इसमें आप वैल्यू प्लग कर दें। ए थर्टीन इज इक्वल टू ए वन आपके पास है जी एक्स प्लस ट्वेल्व इंटू वन माइनस एक्स। अब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए थर्टीन इज इक्वल टू ये ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व एक्स है, ये ट्वेल्व माइनस इलेवन एक्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स, बस एक ही टर्म हमने फाइंड करनी थी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी इफ इट्स सिक्स टर्म इज 19 एंड नाइन्थ टर्म इज 31। देखें ये दो चीजें आपके पास गिवन है, ए सिक्स इज इक्वल हो जाएगा आपके पास ए वन प्लस फाइव डी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए वन प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 19। सिमिलरली नाइन्थ टर्म की बात कर रहा है, ए वन प्लस एट डी इज इक्वल टू 31। आपके पास सब्ट्रैक्शन से मिलेगा डी माइनस थ्री डी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी माइनस ट्वेल्व। डी इज इक्वल टू फोर, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ और हमने जो फाइंड करना है एटीन टर्म, ए एटीन इज इक्वल टू ए वन प्लस सेवनटीन डी, सेवनटीन डी आपके पास है, ए नहीं है, ए पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि साइमल्टेनियसली हमने चूंकि डी फाइन किया हुआ है तो ए वन प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू 19, इसका मैंने वैल्यू प्लग किया तो ए वन हमारे पास आ जाएगा जी, इसको सॉल्व कर लें,
ए वन इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अभी आपके पास ए पी मौजूद है 18 इज इक्वल टू माइनस वन प्लस 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये बन जाएगा 68 और ए 18 इज इक्वल टू 67। इसको आप बॉक्स कर दें। क्वेश्चन नंबर 5th का सॉल्यूशन हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP five comma two comma minus one minus 85 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जो कि 5 है और कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा और nth टर्म माइनस 85 मिलेगा। फार्मूला है आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी। ए एन आपके पास है माइनस 85 ए वन 5 है प्लस एन हम फाइंड करने जा रहे हैं और कॉमन डिफरेंस इसमें आपके पास होगा माइनस 3 क्योंकि 2 माइनस 5 जब हम करते हैं आपको माइनस 3 मिल जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, माइनस 85 है और ये चलिए मैं एक स्टेप में आपको मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 5 माइनस 3n प्लस 3 ये 5 और 3 हो जाएंगे आपके पास 8 और इस माइनस 3 को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, 3n पॉजिटिव मिल जाएगा और ये 8 और ये माइनस 85 जाके प्लस हो जाएंगे तो प्लस 85 तो आंसर इसका 93 है। n इज इक्वल टू 3 3 9 3 1 3 n हमें मिल गया 31। पूछा क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि ये बताएं कि ये वाली जो टर्म है माइनस 85 ये कौन सी टर्म है। हमें n मिल गया तो n फाइंड करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि माइनस 85 इज 31st टर्म ऑफ ए पी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टर्म ऑफ द एपी -2, 4, 10 is 148. A1 जो है हमारे पास -2 है, कॉमन डिफरेंस 6 होगा, और AN जो है वो 148 है। सिंपल आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A1 आपके पास है 148, AN और A1 जो है वो -2 है, N हमने फाइंड करना है, N माइनस डी का आंसर हमारे पास 6 है। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे प्लस माइनस करने के बाद N हमारे पास बन जाएगा 26। N का वैल्यू 26 है, इट मीन के 148 जो ये बता रहा था वो आपके पास 148 इज 26 टर्म ये आपके पास है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 8। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी? इन विच A1 उसने प्रोवाइडेड किया हुआ है, दैट इज 11, एंड AN 68 है, और कॉमन डिस्टेंस 3 है। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इनटू डी। 68 है आपके पास AN, A1 11 है, प्लस N हमने फाइंड करना है, और D हमारे पास 3 है। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप N का वैल्यू निकाल लेंगे, N विल बी 20। अब यहाँ पे इस सीक्वेंस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगी वो होंगी 20। क्वेश्चन नंबर 10, बल्कि 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, इफ nth टर्म
ऑफ द एपी इज 3n-1, फाइंड एपी। मैथमेटिक प्रोग्रेस आपने जो पूरा सीक्वेंस है वो आपने फाइंड करना है। ए एन इज इक्वल टू 3n-1 इट इज गिवन। आपने चूंकि हमने सीक्वेंस फाइंड करना है, आप फर्स्ट टर्म के लिए इसमें एन का वैल्यू डालें 1 और 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, ये सारा आप 1, 2, 3 वैल्यूज प्लग करते जाएंगे तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। ए वन इज इक्वल टू 3-1 2 मिलेगा। ए टू इज इक्वल टू 3 to the 6-1 5 मिलेगा। और इसी तरह ए थ्री इज इक्वल टू 3 to the 9-1 8 मिल जाएगा। और ए फोर इज इक्वल टू 4 to the 12-1 11 मिल जाएगा। अभी आप सीक्वेंस लिख दें जो हमारे पास डिजायर्ड में आंसर था, 2, 5, 8, 11, ये हमारे पास एक सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी आपको बस प्लेन। डिटरमिन वेदर पहले पार्ट पे में कह रहा है -19 एंड सेकंड में कह रहा है, दो पार्ट हैं इसके, 2 आर द टर्म्स ऑफ एपी। क्या है जी, 17 है, 13 है, 9 है और नॉट। वो बता दें, वो कह रहा है कि ये 2 टर्म्स जो हैं इस सीक्वेंस में फॉल करती हैं या नहीं, ये आपकी बेसिक कंडीशन है। पार्ट वन के लिए देखें, ए वन तो हमें मिल गया 17 और कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा -4। और अभी हमने ये चेक करना है कि क्या इस सीक्वेंस में ये -19 आता है या नहीं, तो हम कहते हैं कि ए 19 इज इक्वल टू -19। हमने कहा जी ए वन ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये -19 हो जाएंगे। ए वन आपके पास 17 है प्लस एन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, डी हमारे पास -4 है। -19 इज इक्वल टू 17 -4n+4। इस 4n को इधर लें, 4n इज इक्वल टू, ये आपके पास 17+4 21 हो जाएगा और 19 जाकर उसमें ऐड होंगे, आंसर आ जाएगा 40। n इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस में जो nth टर्म है वो आपके पास -19 है। तो इट मीन कि ये हमने इसमें साबित हो गया कि ये nth, हमने सिर्फ बताना था कि ये है या नहीं। सो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन फाइंडिंग द एंथ टर्म वी कैन से -19 इज द 10th टर्म
of given AP. अब दूसरी बात, दूसरा पार्ट जो है इसका, इधर ही देखें आप. सीक्वेंस यही है, 17 है, 13 है और 9 है. A1 इज इक्वल टू 17 है, B इज इक्वल टू -4 है और An यहाँ पे 2 है सेकंड पार्ट के लिए ना. तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, An इज इक्वल टू A1 प्लस N -1 इंटू D, जो A1 है, सॉरी A9th, वो है 2 और A1 17 है. N हमने फाइंड करना है और D इज द -4. 2 इज इक्वल टू 17 -4 N +4. अब +4 को इधर लें, +4N इज इक्वल टू +4N को 4 इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा +21 माइनस हो जाएगा 2. अब 4N इज इक्वल टू 19, N इज इक्वल टू 19/4. यहाँ पे ख्याल रहे कि आपको जो N का फाइनल आंसर आना चाहिए वो हमें किसी कोई ना कोई एक नंबर मिलना चाहिए, ताकि जो टर्म्स होती हैं वो कोई ना कोई एक नंबर हुआ करता है, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं आता. अब यहाँ पे आंसर आएगा आपका 19/4, ये 4 4 16, 4 पॉइंट कुछ आएगा. तो हमें तो एक टर्म चाहिए ना, यहाँ पे 4.2 तो कोई टर्म नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं लास्ट में इसकी स्टेटमेंट देंगे, जैसे कि हमने पार्ट वन के अंदर स्टेटमेंट दिया था, -19 इज द 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी. तो अभी इसके लिए हम कहेंगे 2 इज नॉट, या डज नॉट एग्जिस्ट कर दें, जो भी कहना चाहिए आप, नहीं भी लिखेंगे तब भी बात बन जाएगी. 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एपी. ये वाला 2 जो टर्म है वो इस एपी में फॉल ही नहीं करता. इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक अपलोड कर दिया है. और अभी इसमें रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है एंड 14th, यानी कि 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे. तो वीडियो के एंड पे मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट हुआ करता है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें. इसमें आपकी कोई एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप YouTube आपसे पैसे नहीं मांगता कमेंट करने के. प्लीज़ मैं आप रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियोस पे कमेंट करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और इनका शेयरिंग करें. और अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज टीचिंग में रिक्वायर्ड हैं अदर देन मैथमेटिक्स, फिजिक्स में चाहिए आपको टीचर, केमिस्ट्री में चाहिए, बायो में चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. और अगर मैथ्स के लिए आपको मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड हों तो माई सेल नंबर इज़ 0321-5838-2640. थैंक यू वेरी मच.